उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच जारी सियासी जंग चरम पर है। इस जंग में नया मोड़ तब आया जब कुशवाहा के काफिले पर आरा में पथराव हुआ। पथराव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने रडार पर लिया और नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष जरूर बनाया। जब बनाया गया तो मुझे लगता था कि पार्टी में जो सोचकर मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया वो एक तरह से झुनझुना था। पहले पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं था, बाद में जेडीयू के संविधान में ये संशोधन किया गया कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का मनोनयन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। ये समझ के बाहर की बात है, संसदीय बोर्ड के सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं। मतलब हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहकर भी सदस्य को नहीं चुन सकते। कुशवाहा ने साफ कहा कि पार्टी में ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष केवल नाम का पद है। इस पद पर बोर्ड अध्यक्ष एक सदस्य तक का मनोनयन नहीं कर सकता। ऐसे में इस पद को देकर मुझे झुनझुना थमा दिया गया। मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया लेकिन मुझे अधिकार नहीं दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहा है। एमएलसी बनना किसी के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती। मैं अगर केंद्रीय मंत्री पद छोड़ सकता हूं तो एमएलसी का पद भी त्याग सकता हूं। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोगों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है, तो जिस पर भरोसा है उसी एक व्यक्ति को लाकर राज्यसभा की सदस्यता दे दे, इससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन एक समय में पार्टी में अति पिछड़ा समाज के लिए जो आकर्षण था वो अब कम हो रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।